गए हैं राहुल गांधी, उनके हेलीकॉप्टर में फ्यूल की कमी की वजह से जो ईंधन डलता है हेलीकॉप्टर के अंदर, भोपाल से टैंकर शहडोल नहीं पहुंचा, इस वजह से राहुल गांधी वहां अटक गए हैं, वक्त से नहीं पहुंच पाए टैंकर, इस वजह से हेलीकॉप्टर में फ्यूल नहीं था, इस वजह से राहुल गांधी का चॉपर उड़ नहीं पाया है। एमपी के शहडोल में अटके हुए इस समय राहुल गांधी, और खबर यह है कि आज रात को शहडोल में ही रुकना पड़ सकता है राहुल गांधी को, या फिर बाय रोड ट्रैवल करके आना पड़ेगा। यह इस समय की बड़ी खबर है। वक्त पे नहीं पहुंच पाए टैंकर, जो कि फ्यूल टैंकर पहुंच रहे थे, वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है। चलिए, मेरे साथ आज कौन कौन पैनलिस्ट है एक बार फिर आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ेंगे, संजय निरुपम भी जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया है, रिजवान अहमद है मेरे साथ, टीएमसी नेता है, प्रवक्ता है मेरे साथ, लेफ्ट के नेता वक्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन यह मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह तुष्टीकरण के रोक पर फिर विपक्ष चल पड़ा है, जब पता है यह प्रयोग लगातार फेल हो रहा है। विवेक जी, 40 सेकंड्स। नहीं, कोई तुष्टीकरण के रास्ते, कोई तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चला है। और मैं रिजवान भाई की बात का भी उत्तर दे देता हूं कि अगर अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि किसी का वोट बैंक कामों से बढ़ रहा है, तो वो प्रेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह के कामों से बढ़ रहा है? कम्युनल कामों से बढ़ रहा है, डिविजिव पॉलिटिक्स से बढ़ रहा है, दो रिलीजन्स को आपस में लड़वाने से, मनमुटाव कराने से बढ़ रहा है। और ये जो पॉपुलिज्म होता है, ये डेंजरस है। मैं जर्मनी का उदाहरण बार बार देता हूँ। हिटलर जीत करके आए थे बाकायदा चुनाव, पॉपुलर नेता थे, उनके देश के लोग उनसे प्रेम करते थे, आगे जो हॉलोकास्ट हुआ सबने देखा। तो ये नेसेसरी नहीं होता कि अगर कोई आदमी जीत रहा है या कल्ट वर्शिप हो रही है किसी पर्टिकुलर नेता की, तो वो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। तो ये तो क्लैरिफिकेशन है अखिलेश जी पे। दूसरी चीज, मुख्तार अंसारी के केस में लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो मुख्तार अंसारी या बाहुबली को के समर्थन में जा रहे हैं। बहुत संदेह की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। बहुत से लोगों का कहना था स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बहुत से लोगों ने कहा, तो कहीं ना कहीं ठीक है। ओके, रिजवान अहमद रिप्लाई से मिलना जरूरी था। जी हाँ, नंबर वन, आज बड़ा अच्छा लगा ये देख के कि सवाल था अखिलेश यादव पे और हमारे लेफ्ट के प्रवक्ता उनका उसका क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं और अनुराग भदौरिया उसको अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई है आपने। अच्छा, मुख्तार अंसारी के लिए जो आप गए, वो इसलिए गए क्योंकि वहां पर बड़ी संदेह पे वो जहर और बड़ी डेथ मानी जा रही है। ठीक है, मैं इस समय रुक कर सकता हूं। मेरे साथ संजय निरुपम जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम इस समय जुड़ रहे हैं बेहद सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। संजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? संजय निरुपम जी, मैं अमीश देवगन बोल रहा हूं, यू आर गेटिंग मी? संजय निरुपम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। रिजवान अहमद, कंप्लीट योर पॉइंट। अमीश भाई, 10 सेकंड। यस रिजवान अहमद। अमीश भाई 10 सेकंड बोल ले। हाँ बोलो, 10 सेकंड हाँ। बोलिए। तो इन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के पास इस्मारे गए, तो मेरे काबिल साथी, तो भैया विकास दुबे की भी गाड़ी पलटी थी, वो भी बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, उसके घर भी चले जाते। मुन्ना बजरंगी भी जेल में मारा गया था, तो उसके घर भी चले जाते ना, वहां नहीं गए, मुख्तार के घर गए। ये कैसा प्रेम है, जरा ये समझाएंगे देश की जनता को? विवेक 30 सेकंड्स। चाहिए पुलिस का काम एनकाउंटर करना, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग करना नहीं है। देश के अंदर कायदा कानून है, आपको सजा देनी है। आप कैपिटल पनिशमेंट अगर है, आप देना चाहते हैं, ज्यूडिशियरी देंगे। घर क्यों नहीं गए? लेकिन आप ये विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है विकास दुबे के घर क्यों नहीं गए? सवाल ये मीडिया के ऊपर जम के रेस किया गया था। नहीं बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, आपके शायद संज्ञान में ना हो। विकास आप उसके घर क्यों नहीं गए? सवाल ये है और कहा क्यों नहीं गए? क्वेश्चन सही नहीं है। आप विकास दुबे के और मुन्ना बजरंगी के घर क्यों नहीं गए? संजय निरुपम हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं दोबारा से। संजय जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है स्पष्ट रूप से? अब निरुपम जी, संजय निरुपम तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे। अनुराग भदौरिया, मैं देखिए सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी
का भतीजा सांसद है, मुख्तार अंसारी का भाई हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा भी विधायक है, और जिस पार्टी से विधायक है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है राजभर। तो आप राजभर से भी सवाल पूछिए, लेकिन हम सवाल इसके हमारा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि हमारी तो पार्टी आपको का कोई लेना देना नहीं है अंसारी से। पांच बार आप कह रहे हैं आपको कोई लेना देना नहीं है अब्बास अंसारी से, तो बोलिए ना खुल के अब्बास अंसारी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? मेरा लेना देना सुनिए, मेरा लेना देना क्यों नहीं है? उसका भाई मेरी पार्टी। संजय निरुपम मेरे साथ जुड़ गए हैं, लगता है उनकी उन तक आवाज पहुंच रही है, मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। संजय जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? सर बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है जी। संजय निरुपम साहब, कल तक जो आपके दोस्त थे उन्हें अब आप खिचड़ी चोर का आरोप लगा रहे हैं और जेल भी भेजना चाहते हैं, यानी